जो कि बहुत पहले से हमारे पूर्वजों ने इसका लड़ाई लड़ते आया है और आज हम आस्था जताइए कि वे पुरानी जो लड़ाई हमारे पूर्वजों की थी आज हमारे रीजन में हमारे समय में हमें झारखंड के जो सरकार हेमंत सोरेन की जो सरकार हमें सरना आदिवासी धर्म कोड विधानसभा में बिल पास करके देने का काम किया। हम उनको तहे दिल से हमारे जो है झारखंड सरकार के जो मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं उनको हम लोग पूरे सरना समाज ही नहीं पूरे आदिवासी समाज उनका तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। अरे जिन्होंने विधानसभा में इतना हिम्मत दिखाया हमारे इस सरना आदिवासी धर्म कोड को पास करने के लिए विपक्ष चाह रहा था इसको हम गाँव बाँव करके इसको हम टालने का कोशिश करें लेकिन ये अच्छी तरह से जाना था और आदि पर इसी परिवार से है हमारा सरना धर्म के परिवार से है। हेमंत सोरेन ठान लिया था कि हमको झारखंड में अगर शासन करना है झारखंड में हमको राज करना है तो विशेषकर सरना आदिवासी धर्म को अलग हटा के हम राज नहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत हिम्मत की और सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड को पास कर दिया। उसमें हमारे दो चार अन्य गण नेता जो है या धार्मिक अगुआ है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से हमारे माननीय विधायक बंधु तिर्की क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की जी का जिन्होंने हरदम मुख्यमंत्री जी को संदेश देते थे कि भाई आपको इस झारखंड प्रदेश में राज करना है तो सरना आदिवासी का जो पुरानी मांग है उनको आपको देना होगा। दूसरा हमारे जो धर्म गुरु वंदन जी का है जो सामाजिक अगुआ है जिनका नेतृत्व जिसके नेतृत्व में पूरा रांची जिला के हर रोड और चौराहे में मानव श्रृंखला के अलावा हर ब्लॉक के तहत इससे पहले हम लोग दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री को और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किए थे। उसी का परिणाम है कि उनको विशेष सत्र का आह्वान करना पड़ा और विशेष सत्र में 2020 विशेषकर सरना आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। जय धर्म जय पढ़ा जय सरना।